हाल ही में ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर काफी शेयर किए जा रहे हैं। यूजर्स दावा कर रहे हैं कि मेरठ में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी करने के लिए निकले नकली साधुओं को पकड़ा और उनकी पिटाई की। कई यूजर्स ने ये क्लिप्स शेयर कर ये दावा किया कि ये साधु बांग्लादेश के हैं और मुसलमान हैं। अक्सर गलत दावे खबर बताकर चलाने वाला राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन सुदर्शन न्यूज ने भी ऐसा ही क्लेम करते हुए वीडियो चलाया है। हाँ, और तुम्हारा कहाँ के रहने वाले हो? झूठ बताओ, सच बता रहा हूँ। क्या करने आए थे यहाँ पर? घूमने आए थे ना सब, गजा करने के लिए। हैं? गजा करने आए थे घूमने। नाम तो कुछ और बता रहे हैं आप इसमें? नहीं, वहीं सुदर्शन न्यूज से जुड़े हुए सागर कुमार और रजत मिश्रा ने भी इस दावे को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे ही अक्सर फर्जी खबर शेयर करते हुए पाए गए अकाउंट हम लोग विद द पीपल ने भी ये दावा एक्स पर पोस्ट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया। देखते ही देखते ये दावा वायरल हो गया कि बांग्लादेश के मुसलमान मेरठ में साधुओं के भेष में बच्चा चोरी करते हुए पकड़े गए। ऐसे दावे के साथ ये वीडियोस काफी शेयर किए गए। ऑल्ट न्यूज ने मामले में तहकीकात शुरू की। वायरल पोस्ट के जवाब में एक्स पर मेरठ पुलिस ने ये क्लेरिफिकेशन दिया कि मौके पर से पुलिस ने तीन साधुओं को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन लाया था और इससे ये बात सामने आई है कि ये तीनों हरियाणा के यमुनानगर के निवासी हैं और नाथ समुदाय के साधु हैं और भीख मांगने का काम करते हैं। मेरठ के पुलिस अधीक्षक ने भी इस संबंध में ये बयान दिया था। सर, साधुओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, भाजपा पार्षद पे ही लगा पिटाई का आरोप, क्या है पूरा मामला, किस क्षेत्र का मामला? देखिए, परसों थाना लिसाड़ी गेट के प्रहलाद नगर में कुछ हिंदू समाज के लोगों द्वारा तीन साधुओं को पकड़ा गया था। उनका शक था कि ये लोग साधु का भेष बनाकर घूम रहे हैं। इनको जब थाने लाकर इनसे इन तीनों साधुओं से पूछताछ और जानकारी की गई तो ये लोग हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछा गया तो ये लोग उनके द्वारा बताया कि ये लोग तीनों ही साधु हैं। उसके बाद लोकल जो स्थानीय लोग थे इनकी उनको जानकारी देकर इन्हें ससम्मान छोड़ दिया गया था। परंतु आज सुबह एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग इन साधुओं को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। इसमें दो लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है तथा इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा, सुदर्शन न्यूज और उसके कर्मचारियों के साथ साथ सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बंधक बनाए गए साधुओं के वीडियोस इस झूठे दावे के साथ शेयर किए कि बांग्लादेश से कुछ मुसलमान साधुओं के भेष में बच्चा चोरी करने के लिए पहुंचे हैं, जबकि वो हरियाणा के नाथ संप्रदाय के साधु थे। इससे पहले भी कई बार बच्चा चोरी करने के फर्जी मैसेजेस वायरल हुए हैं और ऐसी अफवाहों का शिकार या तो साधु, भिक्षुक या फिर मानसिक रूप से कमजोर लोग बने हैं।